अभी तक आप लोगों ने पेंटिंग नहीं किया है या अभी बिल्कुल ड्राइंग भी नहीं किया है तो आइए मेरे साथ और मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से मिथिला पेंटिंग। तो मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल मिथिला रिवाज में। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को मिल जाए। ये पेंटिंग बहुत ईजी है, इसको कोई भी कर सकता है चाहे आदमी हो या औरत, और इस पेंटिंग को सीखने के बाद आप लोग अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं क्योंकि इस पेंटिंग का डिमांड हमारे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी है। मेरी दादी गंगा देवी जिन्हें पद्मश्री का अवार्ड मिला हुआ था वो इसी पेंटिंग की वजह से जापान, फ्रांस कई सारे देशों में उन्होंने अपना पेंटिंग का एग्जीबिशन किया था। अगर इंसान मेहनत करे तो कुछ भी कर सकता है। तो आइए बिना समय बिताए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आइए अब हम क्लास शुरू करते हैं। आप ये देखिए प्लेन पर है बिल्कुल और इसी पे हम सीखेंगे। और पिछले क्लास में मैंने बताया था तीन डिजाइन बताए थे बॉर्डर को, उसी को यूज करके हम आज रंगोली बनाएंगे। और अगर आपने पहले वाली क्लास मेरी मिस कर दी हो तो आप आई बटन पे जाइएगा, उसको क्लिक करिएगा तो मेरा क्लास का आपको मिल जाएगा लिंक, उसमें आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्लास सेकेंड। रंगोली बनाने के लिए हम या तो ये चूड़ी का यूज कर सकते हैं या फिर कंपास का यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। या तो चूड़ी यूज कर लो या फिर कंपास यूज कर लो, हमें जितना बड़ा चाहिए उसी हिसाब से हम कंपास को रखेंगे, छोटा बड़ा कर सकते हैं। तीन टाइप के सर्कल कर लेंगे हम लोग, हम इसको पेन से करेंगे और डबल लाइन करना हो नहीं भूलिएगा, डबल लाइन मस्ट होता है, डबल लाइन करते जाना है। हम इस वाले को करेंगे, इसको भी डबल लाइन करेंगे धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। इसके बीच में भी हम छोटा सा गोला करेंगे, वही वाला डिजाइन हम इसको करेंगे ऐसे ऐसे फिर ऐसे, डबल लाइन सब में करना है। डबल लाइन से क्या होता है डिजाइन निखर के आता है, कि पता चलता है कि हमने ये डिजाइन बनाया है। स्लोली स्लोली करेंगे। हमने गोल किया था, इसको ऐसे सर्कल कर लेंगे, इसमें भी इसको भी डबल लाइन करेंगे, फिर सर्कल, फिर उसको गोल लाइन, डबल लाइन करेंगे धीरे धीरे स्लोली स्लोली। धीरे धीरे करेंगे ताकि लाइन से बाहर ना जाए हमारी लाइन, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा देखने में। अगर मोटा पतला होता है तो नो प्रॉब्लम, ये हैंड वर्क है इसमें मोटा पतला हो सकता है, लेकिन कोशिश यही रखिए कि ना हो। अगर हो भी जाता है बाई चांस तो घबराने की कोई बात नहीं है। धीरे धीरे करेंगे, हम सारा डिजाइन से कवर कर लेंगे। इसमें हम स्लैंडिंग लाइन डालेंगे ऐसे ऐसे, हमारा बीच वाला डिजाइन, इसमें फ्लावर बना देंगे हम, ऐसे सर्कल करेंगे छोटा सा, इसको भी डबल लाइन करेंगे
और इसको बीच से लेंगे, फिर इधर से लाइन लेंगे, फिर इधर से उसके बीच में से लेंगे, और फिर इसको ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे कर देंगे। ये हमारा डिजाइन बन गया। अब इसके ऊपर से ये ऐसे थोड़ा कर देंगे, ऐसे 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 लेंगे, फिर इसको इसमें मिला देंगे, फिर ऐसे उठाएंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे चारों तरफ कर देंगे, फिर इसको भी डबल लाइन कर लेंगे। धीरे धीरे इसको डबल लाइन कर देंगे। हमारा आउटलाइन का काम कंप्लीट हो गया। अब इसको हम कंप्लीट करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे इसको लाइनिंग करके। अब हम इसको लाइनिंग करेंगे, तो इसको हम सीधा स्ट्रेट लाइन लेंगे, ऐसे ऐसे सीधा सीधा। तो सीधा लाइन लेंगे बिल्कुल हम, और पास पास, जितना पास लेंगे उतना अच्छा लगेगा देखने में, उतना बारीकी काम नजर आएगा। सीधा सीधा लाइन लेंगे बिल्कुल हम, बिल्कुल पास पास, इस बात का ध्यान रखें, बिल्कुल पास पास लाइन लेना है और बिल्कुल सीधा सीधा, ताकि देखने में अच्छा लगे और बारीकी नजर आए कि बारीक काम है। लाइन पेंटिंग में बारीकी ज्यादा नजर दिखना पड़ता है कि बारीकी है कि नहीं। जितना बारीक काम करेंगे आप उतना अच्छा लगेगा देखने में। इसको स्ट्रेट लाइन करेंगे, एक छोड़ के एक करेंगे, इसको भी ऐसे तिरछा लाइन कर लेंगे हम, इसको भी एक छोड़ के एक करेंगे। इसी तरह हम एक और के एक लाइनिंग कर देंगे, ऐसे स्लिपिंग लाइन में इसको हम लाइनिंग कर देंगे धीरे धीरे, और फिर इसको स्टैंडिंग लाइन में करेंगे धीरे धीरे, ताकि लाइन से बाहर ना जाए। लाइन से बाहर जाएगा तो अच्छा नहीं लगता देखने में, फिर डिजाइन अच्छा नहीं लगेगा। धीरे धीरे कर देंगे हम। ये हमारा ब्लैक का काम हो गया कंप्लीट। अब हम रेड से करेंगे इसको धीरे धीरे, स्लोली स्लोली स्लिपिंग लाइन से इसको करेंगे, तो हम पूरा कलर कर दें। एक एक छोड़ जो दिए थे हम उसमें रेड करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ब्लैक से कर रखा है, धीरे धीरे हम इसको करेंगे रेड से, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ब्लैक से किया था। आप चाहें तो ब्लू और या ग्रीन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है लाइन पेंटिंग में रेड और ब्लैक चलता है। कहीं कहीं ब्लू या ग्रीन यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है, आपको अच्छा लगे तो आप करिए, ठीक है। ऐसे देखिए कितना आसान है, और आसान तरीके से हमने उन्हीं तीनों डिजाइन को यूज करके हमने रंगोली बना लिया। अब इसको पूरा तैयार होने दीजिए, फिर देखिएगा कितना अच्छा लगेगा। इसमें भी ऐसे करेंगे हम, और इसमें ऐसे टेढ़ा टेढ़ा स्लैंडिंग लाइन डालेंगे, ऐसे ऐसे बिल्कुल पास पास और टेढ़ा टेढ़ा स्लैंडिंग लाइन यूज करेंगे इसमें, ठीक है। ऐसे ऐसे सीधा सीधा तो देखिए धीरे धीरे स्लोली स्लोली करेंगे हम इसको। अभी हमारा ऑलमोस्ट तैयारी होने वाला है, तैयार होने वाला है। ये तैयार हो गया हमारा रंगोली, तैयार हो गया। तो देखा आप लोगों ने कितना आसान है मिथिला पेंटिंग सीखना। आगे क्लासेस में मैं और भी बहुत सारे डिजाइन बताऊंगी जो कि आप लोग आसानी से सीख सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।
अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखें, और मेल भी कर सकते हैं आप लोग मुझे। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। धन्यवाद।